तो वन सेकेंड मोस्ट वेलकम ऑफ ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स. ओके, सो आज के लेक्चर में हम जो है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक के बारे में देखेंगे. इससे पिछले लेक्चर्स में हमने ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक के बारे में देखा था कि हमें जो है ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक को किस तरीके से उसका आंसर देना है और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक में. और उसका जो कंट्रोल फ्लो है, जो प्रोग्राम का जो मतलब काउंटर है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट को, उसके बेस में भी जो है हमने ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक को देखा. तो आज के लेक्चर में हम जो है कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे और कौन कौन से कॉम्बिनेशन वैलिड है और इनवैलिड है ये भी देखेंगे. ठीक है, अगर आपको ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक अच्छे से समझ में नहीं आया और उसका डीप कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रश को फॉलो कर सकते हैं. अदरवाइज आप जो है हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, वो भी यहाँ से technicalgeek.general.com. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं यहाँ पे हमारा तीन ट्राई ब्लॉक है, मतलब तीन जो है हमने प्रोग्राम लिखा है जिसमें पहला जो सेगमेंट है उसमें केवल ट्राई एंड कैच है. ठीक है, तो इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं. अब ये देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ट्राई एंड कैच का, ठीक है, जहाँ पे एक्स नाम का एक्सेप्शन जो है यहाँ पे इसे कैच कर रहा है. देखिए, एक्स कुछ भी हो सकता है, अर्थमेटिक हो सकता है. मैं एक समझाने के रूप में यहाँ पे एक्स लिखा हूँ. ओके, यहाँ तो या फिर एक्स मतलब अर्थमेटिक हो सकता है या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकता है या फिर ओनली एक्सेप्शन हो सकता है. ठीक है, एक्सेप्शन क्लास. तो यहाँ पे देखते हैं ये जो कॉम्बिनेशन है ये वैलिड है कि नहीं. ऑफ कोर्स ये वैलिड है. ट्राई के साथ आप कैच मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, एक ऑर्डर वाइज भी सही है. ट्राई के बाद कैच और ट्राई कैच के बीच में कोई भी सेंटेंस मतलब कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं है, तो ये बिल्कुल ही सही है. अब दूसरा देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है. आप जो है ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, इनका ऑर्डर भी सही है. ओके, जहाँ पे पहले कैच ब्लॉक में एक्स नाम का एक्सेप्शन थ्रू मतलब कैच ब्लॉक बनाया एक्स नाम के एक्सेप्शन को कैच करने के लिए और दूसरा कैच ब्लॉक बनाया वो वाई नाम के एक्सेप्शन को कैच करने के लिए. अब देखिए तीसरा जो हमारा मतलब ट्राई कैच ब्लॉक है इसमें देखिए ट्राई ब्लॉक बनाया सही है, कैच ब्लॉक बनाया सही है जिसमें एक्स नाम का एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच बनाया गया है कैच ब्लॉक, लेकिन उसका अगला जो कैच ब्लॉक बनाया है वो भी जो है एक्स नाम का एक्सेप्शन के लिए बनाया गया. क्योंकि क्या ये वैलिड है? नो, इट्स नॉट वैलिड. अगर आप ऐसा लिखेंगे तो वहीं पे जो है आपको एक कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, मतलब जो है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कह ले या कंपाइल टाइम एरर मिलेगा. ठीक है, जहाँ पे ये बोला जाएगा कि एक्सेप्शन एक्स हैज ऑलरेडी बीन कॉट. इसका मतलब ये है कि आपने जो है कैच ब्लॉक एक्सेप्शन का पहले ही बनाया है तो फिर उसे आप दोबारा क्यों बना रहे हैं. तो आप जो है एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक तो यूज कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल मतलब सेम नाम के मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज नहीं कर सकते, सेम नाम के एक्सेप्शन के मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज नहीं कर सकते जो यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे जो है तुरंत आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे आपने जो देखा कि पहले ट्राई के साथ आप कैच ये पॉसिबल सही है, ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट जो है एक्सेप्शन पास किया हुआ है. ओके, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए बनाया है ये भी वैलिड है, लेकिन आप जो है सेम एक्सेप्शन के दो कैच ब्लॉक नहीं बना सकते. यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा एक्सेप्शन एक्स हैज ऑलरेडी अनचेक्ड एक्सेप्शन वर्सेस चेक्ड एक्सेप्शन कह ले. ठीक है, या फिर रन टाइम एक्सेप्शन वर्सेस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कह ले. तो इन दिनों के बीच जो है डिफरेंस वो हम अगले लेक्चर्स में जानेंगे. अगर इसका डीप कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप जो है यूट्यूब चैनल में और भी वीडियोज हैं इस तो वो देख सकते हैं. ओके, फिलहाल हम ये देखते हैं कि एक्सेप्शन क्लास जो है सभी एक्सेप्शन का पेरेंट क्लास है. ठीक है, जैसे कि अर्थमेटिक हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, आईओ एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, अरे इंडेक्स एक्सेप्शन हो गया, सभी का जो है ये पेरेंट क्लास है. तो अगर कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रू होता है ट्राई ब्लॉक के अंदर, अर्थमेटिक हो गया या फिर SQL हो गया या फिर कुछ भी नल पॉइंटर हो गया, ठीक है, क्लास नॉट फाउंड है, तो उस केस में जो है ये सभी एक्सेप्शन को ये हमारा एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक कैच कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट ये कैच करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये सही है, ये वैलिड कॉम्बिनेशन है? तो ये बिल्कुल गलत है. अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा कि एक्सेप्शन java.long.lang.ae मत अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो कि जावा पैकेज के अंदर लैंग्वेज पैकेज के अंदर अवेलेबल है वो हैज बीन ऑलरेडी कॉट. मतलब जब अगर यहाँ पे अर्थमेटिक, ठीक है, अगर कोई दूसरा एक्सेप्शन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे थ्रू होता है तो ये एक्सेप्शन इसे कैच कर लेगा, ठीक है, तो फिर ये एक्सेप्शन काहे के लिए बनाया आपने, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से मैं बात करूँ, एक नॉर्मल वे में मैं अगर बोलना चाहूँ तो कैच मैकेनिज्म में जो है, कैच मैकेनिज्म के अंदर का जो एक्सेप्शन कैच करने वाला जो भी ब्लॉक है वो एक मतलब डिसेंड असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब जो है चाइल्ड क्लास पहले आना चाहिए, उसके बाद पेरेंट क्लास आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा एक तरीके से कह लूँ मैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नीचे देखिए तो हमने ट्राई कैच ब्लॉक बनाया है जिसमें पहला जो कैच ब्लॉक है उसमें हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया है। अब अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसलिए लिखा है कि अगर कोई अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होता है तो ये कैच ब्लॉक जो है उस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कैच कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने पहले जो है चाइल्ड क्लास लिखा है, उसके बाद पेरेंट क्लास लिखा है, ठीक है। पेरेंट क्लास का मतलब पेरेंट क्लास द्वारा जो है उस एक्सेप्शन को कैच किया जा रहा है। उसके पहले अगर चाइल्ड क्लास जो है उस एक्सेप्शन को कैच कर लेता है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, लेकिन चाइल्ड क्लास उस एक्सेप्शन को कैच नहीं कर पाता तब पेरेंट क्लास उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पहले जो है चाइल्ड क्लास से उसे पास जाना पड़ेगा, मतलब चाइल्ड क्लास से गुजरना पड़ेगा तब वो पेरेंट क्लास के पास जाएगा, ओके। तो ये जो है ये नीचे वाला जो हमारा ट्राई कैच ब्लॉक का जो ऑर्डर है वो सही है, जहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है क्या कैच ब्लॉक के अंदर जो हम एक्सेप्शन पास कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया या फिर खुद पेरेंट क्लास एक्सेप्शन हो गया, तो उसके लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये वाला तो पूछा ही जाता है, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो वाइवा हो, या जो चाहे वो एग्जाम हो, ठीक है। तो इसलिए ये जो ध्यान देने वाली बात है कि जो है हमें एक्सेप्शन का ऑर्डर किस तरीके से रखना है, ठीक है। सभी को तो ये पता होता है कि ट्राई कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक का किस तरीके से कॉम्बिनेशन और किस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन कैच ब्लॉक में भी जो है एक्सेप्शन का ऑर्डर किस तरीके से रहना चाहिए वो भी जरूरी है। यहाँ पे मैंने बताया पहले जो है चाइल्ड क्लास का जो है एक्सेप्शन रहेगा, उसके बाद जो है फाइनली मतलब फाइनली बोलता हूँ पेरेंट क्लास का जो है एक्सेप्शन रहेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमने केवल ट्राई ब्लॉक बनाया, केवल ट्राई ब्लॉक, ना तो इसके साथ कैच है ना तो फाइनली है, तो ये तो आप सीधे से ही आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा जहाँ पे लिखा होगा ट्राई विथआउट कैच और फाइनली, ठीक है। तो आप अकेले ट्राई नहीं बना सकते, या तो आप उसके साथ कैच बनाना पड़ेगा नहीं तो फाइनली बनाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक तो बनाना ही अवश्य। इसलिए जो है यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रहा था क्योंकि आपने केवल ट्राई ब्लॉक ही यहाँ पे बनाया। उसी तरीके से कैच ब्लॉक की बात करें तो कैच विथआउट ट्राई है, ठीक है, आप अकेला कैच ब्लॉक नहीं बना सकते, उसके साथ ट्राई बनाना ही पड़ेगा, ओके। भले फाइनली ना बनाए लेकिन ट्राई होना जरूरी है, वैसे फाइनली ब्लॉक में ही फाइनली विथआउट ट्राई, ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक के साथ आपको ट्राई बनाना ही पड़ेगा भले उसके साथ आप कैच बनाए या ना बनाए, ओके। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये रहता है, आप ट्राई कैच ले सकते हैं या ट्राई फाइनली ले सकते हैं या ट्राई कैच फाइनली ले सकते हैं या फिर ट्राई और मल्टीपल कैच ब्लॉक और उसके बाद फाइनली ले सकते हैं, लेकिन फाइनली हमेशा एक रहेगा, कैच आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं और ट्राई हमेशा एक रहेगा, ओके। और ऑर्डर भी जो है एक ऑर्डर वाइज रहना चाहिए, ट्राई के बाद कैच आएगा और कैच के बाद ही फाइनली आएगा, ओके। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया ट्राई एंड फाइनली, तो ये क्या एक लीगल कॉम्बिनेशन है, यस इट इज अ लीगल कॉम्बिनेशन। वैसी बात करें ट्राई के बाद हमने जो है कैच ब्लॉक बनाया है, लेकिन ट्राई कैच ब्लॉक के बीच में हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसमें हम हेलो प्रिंट करें, तो क्या ये एक लीगल है, क्योंकि ट्राई एंड कैच ब्लॉक तो एक तरीके से ऑर्डर में सेम दिख रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया ट्राई एंड कैच के बीच में जो है एक स्टेटमेंट लिख दिया है, इससे क्या होगा कि ट्राई अलग हो जाएगा और कैच अलग हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एरर मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, वो भी दो ठो, पहला कंपाइल टाइम एरर इस ट्राई ब्लॉक के साथ मिलेगा जहाँ पे ये शो करेगा ट्राई कैच ट्राई विथआउट कैच और फाइनली, मतलब ये ट्राई ब्लॉक को अकेला शो कर देगा जहाँ पे ये कहा जाएगा ट्राई ब्लॉक जो है उसके साथ आपने ना तो कैच ब्लॉक बनाया और ना ही फाइनली ब्लॉक, ओके। और दूसरा जो एरर आएगा हमारा कंपाइल टाइमर टाइम वो इस कैच ब्लॉक के लिए आएगा जहाँ पे बोला जाएगा कि ये कैच ब्लॉक के लिए आपने ट्राई ब्लॉक नहीं बनाया, ओके। तो वही कहने की कोशिश कर रहा था मैं, ट्राई कैच और फाइनली के बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए, ओके, जो यहाँ पे आ चुका है। सो आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे तीन सेगमेंट बनाया प्रोग्राम का, ओके। तो जहाँ पे देखिए ट्राई कैच और दूसरा जो मल्टीपल हमने कैच बनाया है, तो दोनों कैच के बीच में जो हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया है प्रिंट स्टेटमेंट, जिसके कारण यहाँ पे भी कंपाइल टाइम एरर आ रहा है कैच के लिए, कौन से कैच के लिए, नीचे वाले कैच के लिए जहाँ पे बोला जा रहा है कैच विथआउट ट्राई,
क्योंकि ये ट्राई कैच का तो कॉम्बिनेशन बन गया सही है, लेकिन इस कैच का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया क्योंकि इसके बीच में जो है ये प्रिंट स्टेटमेंट आ गया। अगर ये नहीं रहता तो ये सही रहता, क्योंकि ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर सकते हैं। वैसे अगर देखें तो ट्राई के साथ हमने कैच बनाया, उसके बाद जो है फाइनली ब्लॉक बनाया, लेकिन कैच और फाइनली के बीच में हमने ये लिख दिया, तो ये ट्राई कैच का तो कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन ये फाइनली का कॉम्बिनेशन नहीं बना, जिसके कारण हमें कंपाइल टाइम एरर मिला फाइनली विथआउट ट्राई, क्योंकि फाइनली के साथ ट्राई है ही नहीं, ये दोनों के बीच में जो है ट्राई कैच के बाद जो है आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये सही है क्योंकि ट्राई आपने बनाया, फिर कैच ब्लॉक बनाया, उसके बाद फिर ट्राई ब्लॉक बनाया, उसके बाद फिर फाइनली ब्लॉक बनाया, तो ये ट्राई कैच का एक कॉम्बिनेशन बन गया और ये ट्राई फाइनली का एक कॉम्बिनेशन बन गया। अगर आप बीच में कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इस फाइनली के लिए ये ट्राई मिल गया और इस कैच के लिए ये ट्राई मिल ही गया। ओके, तो इतना समझ में आया। अब आगे के कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ट्राई बनाया, उसके बाद फाइनली बनाया, उसके बाद कैच बनाया, तो देखिए यहाँ पे ट्राई फाइनली और कैच तीनों तो लिखे हैं, लेकिन इनका ऑर्डर गलत हो गया है। ये तो आपको मतलब शुरुआत में ही पता चल गया होगा कि ये गलत है, क्योंकि ट्राई के बाद कैच आता है एंड कैच के बाद फाइनली आता है। आपने जो है ट्राई के बाद फाइनली कर दिया और कैच के पहले फाइनली कर दिया, इसलिए जो है यहाँ पे कैच विथआउट ट्राई है। अब किस तरीके से कंपाइल टाइम एरर आया, क्योंकि ट्राई एंड फाइनली का कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे, लेकिन कैच अकेला रह गया। ओके, तो इसलिए जो है यहाँ पे बोल रहा है कैच विथआउट ट्राई। उसी तरीके से हम अगर यहाँ देखें तो ट्राई ब्लॉक बनाया और कैच ब्लॉक बनाया, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बन गया एंड साथ में फाइनली ब्लॉक का भी एक कॉम्बिनेशन बन गया, ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक का। ओके, लेकिन ये फाइनली ब्लॉक छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि ट्राई ब्लॉक, एक ट्राई ब्लॉक के साथ आप जो है एक ही फाइनली ब्लॉक यूज कर सकते हैं, भले मल्टीपल कैच ब्लॉक अगर यूज करना चाहे तो करें। यहाँ पे आपने दो फाइनली ब्लॉक बनाया है, तो एक ट्राई के साथ जो है एक फाइनली ब्लॉक चलेगा, तो यहाँ पे ट्राई कैच एंड फाइनली का जो है एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन ये फाइनली अकेला रह गया, जहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिला फाइनली विथआउट ट्राई। ओके, तो ये जो आपको दो चीजें समझ में आया, अगर एक लीगल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे हमने यूज किया है ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक, पहले तो ये बना लिया जो कि बिल्कुल लीगल कॉम्बिनेशन है, बट हमने क्या किया, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर एक और ट्राई ब्लॉक बनाया, जैसे इफ एल्स बनाते हैं ना, इफ के अंदर और एक इफ एल्स है कि नहीं, नेस्टेड इफ एल्स जिसे बोलते हैं। ओके, तो इफ ब्लॉक के अंदर जैसे और इफ एल्स बनता है, इफ के अंदर मतलब एक तरीके से, तो उसी तरीके से हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर जो है एक और ट्राई ब्लॉक बनाया, ठीक है, और उसके बाद इसे हैंडलिंग करने के लिए कैच मैकेनिज्म बनाया, उसके साथ फाइनली भी बनाया। तो क्या ये एक लीगल कॉम्बिनेशन है? हाँ, बिल्कुल लीगल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जो ट्राई ब्लॉक है इसका कैच ब्लॉक के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जो ट्राई ब्लॉक है इसके साथ जो है एक कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन गया, ये बिल्कुल लीगल कॉम्बिनेशन है और वैलिड कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई भी कंपाइल एरर नहीं आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अभी तक आप ये सुन रहे होंगे कि जितने भी हमने कॉम्बिनेशन देखे तो उसमें कुछ में मतलब एरर नहीं आ रहे थे, लेकिन जिसमें आ रहे थे उनमें कंपाइल टाइम एरर आ रहा था। अब ऐसा क्यों, मतलब हमेशा ही कंपाइल टाइम एरर क्यों नहीं क्यों आ रहा है? तो देखिए, कंपाइल टाइम एरर जो है ना वो सिंटेक्स के लिए होता है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ हम ट्राई कैच ब्लॉक के सिंटेक्स में गलती कर रहे हैं, इसलिए जो है हमें कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। ओके, समझ में आया। सो आगे बढ़ते हैं। ट्राई ब्लॉक हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने कैच ब्लॉक बनाया, और कैच ब्लॉक के अंदर हमने ट्राई ब्लॉक बनाया एंड फाइनली ब्लॉक बनाया। क्या ये लीगल कॉम्बिनेशन है? यस, इट्स एब्सोल्युटली लीगल कॉम्बिनेशन, बिकॉज ट्राई के साथ एक कैच कॉम्बिनेशन तो बन ही गया एंड कैच ब्लॉक के अंदर जो ट्राई है उसका फाइनली के साथ कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, तो ये बिल्कुल लीगल कॉम्बिनेशन है। वैसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्राई ब्लॉक बनाया, उसके साथ आपने कैच ब्लॉक बनाया एंड इसके साथ आपने फाइनली ब्लॉक भी बनाया एंड फाइनली ब्लॉक के अंदर जो है आपने ट्राई एंड फाइनली का जो है एक अलग से और कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, ये भी जो है बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। ओके, सो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम नेस्टेड ट्राई ब्लॉक बोलते हैं। सो अगर यहाँ पे देखें तो ट्राई ब्लॉक के साथ हमने कैच ब्लॉक बनाया जो कि लीगल कॉम्बिनेशन है, लेकिन देखिए ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर एक और ट्राई ब्लॉक बनाया, लेकिन इसके साथ हमने कोई कॉम्बिनेशन नहीं रखा है, ना तो कैच ब्लॉक रखा है ना तो फाइनली ब्लॉक रखा है, जिसके कारण यहाँ पे हमें एरर मिलेगा ट्राई विथआउट कैच और फाइनली। ओके, क्योंकि हमने ये ट्राई ब्लॉक के साथ तो कैच ब्लॉक का कॉम्बिनेशन रख लिया, लेकिन ये ट्राई ब्लॉक के साथ हमने कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं रखा, जिसके कारण हमें यहाँ पे एरर मिला। ओके, अगर उसी तरीके से हम यहाँ देखें तो ट्राई बनाया, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंड हेलो लिखा है, ठीक है, उसके बाद हमने कैच मैकेनिज्म देखा है, क्या ये सही है?
नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्राई हो या कैच हो या फाइनली हो, उसमें उसका ब्लॉक के लिए हमेशा कर्ली ब्रेसेस बनेंगे। आप इफ एल्स की तरह आप ये यूज नहीं कर सकते कि इफ उसके बाद अगर आप एक स्टेटमेंट लिखना है तो उसके लिए जो है आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक है, मतलब ये ट्राई ब्लॉक है और ये कैच ब्लॉक है, और सभी में जो है आपको कर्ली ब्रेसेस लिखना ही पड़ेगा, चाहे एक स्टेटमेंट लिखें या चाहे कुछ भी ना लिखें, लेकिन आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए जो है कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ट्राई विथआउट कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती, और यही छोटी चीजें जो है पूछा जाता है इंटरव्यू कैंपस में और वाइवा में, जिसका आंसर हम नहीं दे पाते और फिर बाद में जो है हम गूगल सर्च करते रहते हैं। ओके, सो इतना समझ में आया, ट्राई ब्लॉक के साथ मतलब ट्राई के साथ हमने यहाँ पे ट्राई कीवर्ड के साथ हमने जो है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, जिसके कारण हमें एरर मिला। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ट्राई के साथ तो कर्ली ब्रेसेस लगाया, लेकिन कैच के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, यहाँ पे भी हमें एरर मिलेगा, कैच विथआउट कर्ली ब्रेसेस। उसी तरीके से ट्राई के साथ हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया, कैच के साथ भी हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया, लेकिन फाइनली के साथ हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, यहाँ पे भी जो है हमें एरर मिलेगा। ओके, जहाँ पे लिखा रहेगा फाइनली विथआउट कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आप ट्राई ब्लॉक बनाए या कैच ब्लॉक बनाए या फाइनली ब्लॉक बनाए, ओके, उसके अंदर कोई भी कोड लिखे या ना लिखे, कर्ली ब्रेसेस रहना जरूरी है, अदरवाइज हमें कंपाइल टाइम एरर मिल सकता है। तो देखिए जैसे कि ये है, ट्राई ब्लॉक के साथ हमने कर्ली ब्रेसेस लिखा है, कैच ब्लॉक के साथ हमने कर्ली ब्रेसेस लिखा है, एंड फाइनली ब्लॉक के साथ भी हमने कर्ली ब्रेसेस लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये जो हमारा मतलब कोड है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें हमने जो है ट्राई ब्लॉक के साथ सभी यूज किया हुआ है, और कैच ब्लॉक भी जो है प्रॉपर तरीके से लिखा है, और साथ में ही जो है फाइनली भी जो है प्रॉपर तरीके से लिखा है, और तीनों का ऑर्डर भी सेम है। ओके, सो इतना आपको समझ में आया, और यही थे पॉसिबल वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हम रन टाइम एक्सेप्शन और जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे। ओके, क्योंकि ट्राई कैच ब्लॉक का आपने इतना समझा होगा तो आपको एक्सेप्शन में भी डाउट आ रहा होगा, और एक्सेप्शन भी समझने के लिए आप बेताब होंगे। तो इसके लिए जो है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम होगा डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और यू कैन से अनचेक्ड एक्सेप्शन वर्सेस चेक्ड एक्सेप्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ गलती होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई जो है विद इन 1 or 2 days में दे दूंगा। ठीक है, जब भी मैं आपका कमेंट देखूंगा तो ओके, ये अदर आप जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।